सो हे दोस्तों, दिसंबर का महीना होने जा रहा है खत्म और आ रहा है जनवरी 2024। और जनवरी के इस महीने में आ रही काफी सारी फिल्में, लेकिन हम बात करेंगे 10 बड़ी आने वाली फिल्मों की जो इस जनवरी के महीने में आएंगी। तो कौन सी फिल्म कब आ रही है, उन सबको जानने के लिए आपको हर बार की तरह एक छोटा सा ही काम करना होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए आए तो। दोस्तों शुरुआत करेंगे फर्स्ट फिल्म जो होने वाली है हनुमान। हनुमान एक सुपर नेचुरल एडवेंचर एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं प्रशांत वर्मा, जिसके लीड रोल में आपको तेजा सज्जा, वरलक्ष्मी शरद कुमार, अमृता अय्यर जैसे कलाकार नजर आएंगे। इस फिल्म का हाल फिलहाल में ट्रेलर आया जो लोगों को भी काफी पसंद आया, जहां पर आपको कहानी देखने को मिलने वाली है हनुमंतु नाम के एक लड़के की, जिसे मिलती है सुपर पावर। अब वो कैसे अपने घर परिवार और गांव की रक्षा करता है बुरे लोगों से, कैसे उन्हें बचाता है, ये सब दिखाया जाएगा इस फिल्म के अंदर, जिस फिल्म को जल्द यानी कि 12 जनवरी 2024 को पैन वर्ल्ड रिलीज किया जाएगा। यानी कि ये फिल्म 10 भाषाओं में रिलीज होने वाली है सिनेमा घरों में। यार वहीं बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस एक सर्वाइव थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं श्रीराम राघवन, जिसके लीड रोल में आपको कैटरीना कैफ, विजय सेतुपति नजर आने वाले। इस फिल्म के अंदर आपको भरपूर थ्रिल देखने को मिलने वाला है, जो कि श्रीराम राघवन की हर एक फिल्म में देखने को मिलता ही है। तो इस फिल्म का हाल फिलहाल में टीजर भी आने वाला है, जिस फिल्म को पहले दिसंबर में रिलीज किया जा रहा था, बट अब ये फिल्म आपको 12 जनवरी 2024 को देखने को मिलेगी, जिसे हिंदी और तमिल भाषा में रिलीज किया जाएगा सिनेमा घरों में। यार बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली रुस्लान। रुस्लान एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आएंगे आयश शर्मा यानी कि सलमान खान के जीजू। जी हां दोस्तों, और साथ में आपको श्रिया मिश्रा और जगपति बाबू जैसे कलाकार नजर आएंगे, जहां पर आपको आयश शर्मा एज ए कॉप के किरदार में नजर आएंगे, जो देश के लिए कर सकते हैं कुछ भी। और हाल फिलहाल में इसका टीजर आया जो एक्शन से भरपूर लग रहा था। अब देखते हैं फिल्म कैसी होगी, क्योंकि इस फिल्म को भी 12 जनवरी 2024 को ही रिलीज किया जाना है सिनेमा घरों में। यार जो कुरान मैंने पढ़ी है उसमें अल्लाह के बाद देश आता है। बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली ईगल। ईगल एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दिया कार्तिक गट्टर नैनी ने, जिसके लीड रोल में आपको रवि तेजा यानी कि मास महाराजा नजर आएंगे, साथ में अनुपमा परमेश्वरी नजर आने वाली है। इस फिल्म की कहानी भी काफी बेहतरीन होने वाली है, जहां पर आपको कहानी एजेंट सहदेव की नजर आएगी, जो अपने लिए अपने लोगों के लिए काफी खूंखार बन जाता है, काफी डेंजर बन जाता है और लोगों को वो नजर ही नहीं आता, लेकिन देश के लिए काफी काम वो कर जाता है। तो उसकी कहानी इस फिल्म में आपको देखने को मिल पाएगी, जिस को 13 जनवरी को रिलीज किया जाएगा, जो फिल्म आपको तेलुगु, तमिल और हिंदी यानी कि 3 भाषाओं में रिलीज होती हुई नजर आएगी सिनेमा घरों में। यार जहां तक रोशनी पहुंचती है वहां तक उसकी बुलेट पहुंचती है। बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली कैप्टन मिलर। कैप्टन मिलर पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे अरुण मातेश्वरन, जिसके लिए रोल में आपको धनुष, प्रियंका मोहन, सुदीप किशन भी नजर आने वाले। इस फिल्म की जो कहानी है वो एक तरीके से बायोग्राफी होने वाली है लिट्टे ग्रुप के फर्स्ट ब्लैक टाइगर यानी कि कैप्टन मिलर की। जी हाँ दोस्तों, 1930 से लेकर 1940 के बीच क्या उसकी प्रक्रिया थी, और श्रीलंका में ये जो लिट्टे ग्रुप के कैप्टन मिलर थे ये क्या करते थे, और भाई इनकी फौज क्या करती थी, ये सब देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर। 15 से 18 जनवरी के बीच रिलीज की जाएगी, लेकिन इस फिल्म को 4 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा यानी कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, इन 4 भाषाओं में ये फिल्म आएगी 15 से 18 जनवरी के बीच में। यार बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है लाल सलाम। लाल सलाम एक स्पोर्ट एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रही है ऐश्वर्या रजनीकांत यानी कि रजनीकांत की बेटी, जिसके लीड रोल में आपको विष्णु विशाल, विक्रांत और रजनीकांत खुद भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के अंदर आपको 2 टीमों के बीच का क्रिकेट और उनके बीच की दुश्मनी, जिसमें खून भी बहेगा, ये सब दिखाया जाएगा इस फिल्म के अंदर, जो कि पैन इंडिया ही आएगी। इसे भी 15 से 18 जनवरी के बीच ही रिलीज किया जाएगा, क्योंकि ये धनुष की वाइफ ऐश्वर्या रजनीकांत की फिल्म में, तो भाई दोनों पति पत्नी के बीच क्लैश होने वाला। खेलों में भी मजाक में रंग दिया, बच्चों के दिल में भी जहर भर दिया। बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है मैं अटल हूं। मैं अटल हूं की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दिया रवि यादव ने, जिसके लीड रोल में आपको पंकज त्रिपाठी नजर आएंगे। और इस फिल्म के अंदर आपको पंकज त्रिपाठी एक्स पीएम अटल बिहारी जी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, यानी कि उनकी लाइफ कैसी रही, उनकी जर्नी क्या थी, ये सब देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर, जिस फिल्म को 19 जनवरी को रिलीज किया जाएगा सिनेमा घरों में। यार संन्यास ले लो पॉलिटिक्स से। संन्यास तो हम लेने से रहे लाल जी,
बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली फाइटर। फाइटर एक एरियल एक्शन थ्रिल फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन देंगे सिद्धार्थ आनंद, जो कि वॉर, बैंग बैंग, पठान जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं। तो ये फिल्म देखो जनवरी की मोस्ट अवेटेड फिल्म होने वाली है बॉलीवुड इंडस्ट्री की, जिसके लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर और भी काफी सारे कलाकार नजर आएंगे, जिसके अंदर आपको ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण एज ए सोल्जर के रोल में नजर आएंगे, जो होने वाले एयरफोर्स के सोल्जर यानी कि भाई फाइटर जेट के पायलट। उनकी कहानी इस फिल्म में आपको देखने को मिल जाएगी, जिस फिल्म को भी काफी हाईवी बजट यानी कि 200-250 करोड़ के बजट में बनाया गया है, जो फिल्म आपको 25 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। यार बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है मलाई कोट्टाई वैली वन। मलाई कोट्टाई वैली वन एक हिस्टोरिकल एक्शन वॉर ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म के लीड रोल में आपको मोहनलाल, सोनाली कुलकर्णी जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं। और ये फिल्म देखो काफी बड़े लेवल पर बनाई जा रही है, जहां पर आपको मोहनलाल मलाई कोट्टाई वॉरियर के रूप में नजर आने वाले हैं। उनकी क्या कहानी होगी, कैसे वो युद्ध करते हैं और क्या उनकी भाई पुरानी वो दास्तां दिखाई जाएगी, वो सब इस फिल्म में देखने को मिले। जिस फिल्म को 25 जनवरी को रिलीज किया जाएगा, जो कि पैन इंडिया रिलीज होगी यानी कि मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और हिंदी भाषा में। दोस्तों बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली थंगलन। थंगलन एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दिया है पार रंजीत ने, जिसके लीड रोल में आपको चियान, विक्रम, मालविका, मोहन जैसे कलाकार नजर आने वाले। और इस फिल्म का टीजर तो जबरदस्त था दोस्तों, जहां पर आपको कहानी देखने को मिलेगी आदिवासी जनजाति के एक झुंड की, जो अपनी जान बचाने के लिए, अपने को आजाद करने के लिए कैसे लड़ते हैं, कैसे रहते थे, कैसे शिकार करते थे और उनके बीच की जो वॉर है ना वो दिखाई जाएगी इस फिल्म के अंदर। इस फिल्म को भाई 150 करोड़ के बजट में बनाया गया, जिस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा 26 जनवरी 2024 को। तो देखो 10 फिल्में तो हो चुकी है कंप्लीट, लेकिन मैं एक फिल्म और आपको बता दूं, जिसका नाम है सहदेव। सहदेव भी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, सेलेस कुनालो के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म, जिसके लीड रोल में आपको वेंकटेश दुग्गुबती और साथ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का टीजर भी अच्छा खासा था, जहां पर आपको कहानी देखने को मिलेगी माफिया जो ड्रग डील कर रहे हैं, वेपन डील कर रहे हैं, लोगों को बिगाड़ रहे हैं, आतंकवादी बना रहे हैं, कुछ इसी प्रकार से उनकी नाक में दम करेगा ये साइको यानी कि सहदेव। जी हां दोस्तों, इस फिल्म को जो रिलीज किया जाना वो 13 जनवरी को रिलीज किया जाना, जो भी पैन इंडिया ही रिलीज होगी दोस्तों। तो यही थी वो 10 फिल्में और एक बोनस मैंने आपको बता दी। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के साथ यार, जब तक के बाय बाय दोस्तों।